हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे बेसिक पार्लर कोर्स की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जिसमें कि हम आपको एक दिन के गैप से हमारी क्लास आती है, जिसमें कि हम आपको पूरा जो बेसिक कोर्स है वो बताते जा रहे हैं, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें बेसिक कोर्स के अंदर आती है। तो फ्रेंड्स, उसी के साथ जो हमारा आज का वीडियो है वो है वैक्सिंग के ऊपर। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि हैंड वैक्स कैसे की जाती है। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो लेग वैक्स है वो आप किस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप लोगों को हाफ लेग वैक्स बताने जा रहे हैं, आप लोग किस तरीके से करेंगे। हमेशा एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जब भी वैक्स करेंगे आप लोग जो है वैक्स का टेम्परेचर ध्यान रखेंगे, कि बहुत ज़्यादा पतली जब आपको लग रहा है कि नाइफ पे से वैक्स गिरती जा रही है, तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो ठीक नहीं है। जब आपके नाइफ के ऊपर वैक्स लग जाए और वो इतनी गाढ़ी ना हो कि मतलब निकल ही नहीं रही, गिर नहीं रही, ऐसी भी नहीं चाहिए, इतनी हो कि आप रख रहे हैं तो बहुत देर में मतलब जो है निकलना शुरू हो जाए, आपके नाइफ के ऊपर से गिरे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कि आपने नाइफ ऊपर किया और वो निकल गई। इसका मतलब वो हीट ज़्यादा है उसके अंदर। अगर आप हीट ज़्यादा वाली वैक्स लगा देंगे तो इससे आपका जो क्लाइंट है वो बर्न हो सकती है उसकी स्किन। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वैक्स करना तो बहुत ईजी होता है, बस आपको समझ आनी चाहिए कि करना किस तरीके से है। तो पूरा प्रोसेस आप लोग देखिए कैसे करना है, कैसे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमको वैक्स को लगाना है। आपको टेम्परेचर का मैंने बताई दिया, जो मेन चीज़ ध्यान रखने वाली होती है वो टेम्परेचर होती है। और एक ये कि आप जो वैक्स यूज़ करने जा रहे हैं वो किसी अच्छे ब्रांड की हो, ताकि आपका जो काम है वो सही तरीके से हो सके, बाल निकल सकें। तो फ्रेंड्स, ब्रांड्स के बारे में आप लोग कई बार पूछते हैं कौन सा ब्रांड रखें, तो सब जगह के अलग अलग ब्रांड्स होते हैं। ये आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपके एरिया में कौन सा ब्रांड जो है ज़्यादा अच्छे से चलता है। जो आपको एक दो डिब्बे लेके देखने पड़ेंगे, जिसकी आपको अच्छी लगे वैक्स, जिससे हेयर अच्छे से निकले, आप उसी वैक्स को लेंगे। जैसे हमारे राजस्थान के एरिया में हनी बी के नाम से ज़्यादा वैक्स आती है, किंग्स भी कोई ब्रांड है, मतलब ये लोकल ब्रांड्स होते हैं, ये एरिया के अकॉर्डिंग बनते हैं, तो इसमें हम आप लोगों को गाइड नहीं कर सकते कि आप कौन सा ब्रांड लें। तो नॉर्मल वैक्स जो आती है, कई सारे ब्रांड्स बनाने लग गए हैं, लोकल रहते हैं सारे ब्रांड्स। तो अगर कोई ये वाली वैक्स करवाना चाहता है तो आप कुछ डिब्बे लेकर देखने पड़ेंगे, छोटे छोटे डिब्बे खरीदिए, आप करके देखिए, जिससे आपके हेयर अच्छे से रिमूव हो जाए, आप उसी वैक्स को लेंगे। स्लीक ब्रांड जो आता है, पहले तो स्लीक ब्रांड सब जगह अवेलेबल होता था, अब आपको पता लगाना पड़ेगा स्लीक ब्रांड जो है बहुत अच्छा ब्रांड है, उसमें अच्छे से आपके जो हेयर है वो ग्रोथ जो है वो निकल जाता है। तो कुछ ब्रांड्स का आप लोग खुद पता लगाइए कि आपके एरिया में कौन सी जो वैक्स है चलती है। तो फ्रेंड्स, हम भी ऐसे खर्चा करते रहते हैं अपने पार्लर के लिए, कभी कौन सा ब्रांड मंगाते हैं, कभी कौन सा मंगाते हैं, तो आपको भी थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, तभी आप लोग आगे निकल पाएंगे इस चीज़ में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें जो है वैक्सिंग करनी है। हाँ, तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हाफ लेग वैक्सिंग का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको 30 डेज के बेसिक कोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे आए इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोग ओनली व्हाट्सअप करेंगे, आप लोग कॉल नहीं करेंगे इस नंबर पर। आपके जो कमेंट्स यूट्यूब पर आते हैं हम उनका जवाब देते हैं, लेकिन ये नंबर केवल आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने के लिए है। सर्टिफिकेट के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा, वो आपको मैसेज के जरिए ही बता दिया जाएगा आपको कितना पे करना है। अगर आप बेसिक कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको रिप्लाई आएगा। और फ्रेंड्स, जब हमने पिछले साल इस कोर्स को निकाला था, तब बहुत सारे लोगों ने हमसे सर्टिफिकेट लिया था बेसिक कोर्स का, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारे लोगों ने सर्टिफिकेट लिया, हम लोग जो सर्टिफिकेट है बाय पोस्ट भेजते हैं आपको सेफ्टी के साथ। अगर कोई इफ एंड बट होता है तो उसका आपको अच्छे से रिप्लाई दिया जाएगा और आपकी जगह तक आपको सर्टिफिकेट अपने आप मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप जो भी लोग सर्टिफिकेट लेना चाहें वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेग वैक्स करने के लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ग्रोथ किस साइड हो रही है जो क्लाइंट है उनकी। तो देखिए कितने हेयर हैं, आप पट्टी का ध्यान रखेंगे, पट्टी जो सीधी तरफ है वही लेंगे, क्रॉस क्रॉस जो बना होता है पीछे की साइड लेना है। अब सबसे पहले पाउडर की एप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग, ताकि थोड़ी ड्राइनेस आ जाए स्किन के ऊपर और जो मतलब वैक्स है वो अच्छे से चिपक सके। टेक्सचर देख लीजिए आप लोग वैक्स का, मैंने आपको बताया था कि टेक्सचर इतना ही रखना है कि जो वैक्स है एकदम से गिरे ना। अब आप सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे, स्टिक आपको पता है मैं हमेशा वुडन यूज़ करती हूँ, तो आप अगर लेना चाहें तो वुडन स्टिक लीजिए जो अच्छी रहती है क्लाइंट के लिए। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से पर्टिकुलर एरिया में हम लोग लगा के और स्ट्रिप से उसको ऊपर की साइड खींच रहे हैं, क्योंकि जो ग्रोथ थी वो नीचे की साइड थी। इस तरीके से आप देख रहे हैं, हमें इसी तरीके से स्ट्रिप को स्ट्रेच करना है। अब हम ऊपर की साइड लगाएंगे। इसका रीज़न क्या है, मैंने ऊपर से क्यों नहीं स्टार्ट किया,
क्योंकि अगर ऊपर वैक्स लग जाती है तो अगर नीचे एक दो बालों में वैक्स लग जाएगी तो जब हम वैक्स की पट्टी खींचेंगे तो नीचे के एक दो बाल एक्स्ट्रा निकल आएंगे, जो कि बाल तोड़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए हमेशा हम लोग जैसे ग्रोथ जहाँ पे ख़त्म हो रही होती है हेयर की, वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। कहीं भी बीच में से आप लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। आप जैसे कि आप मैं हैंड का भी स्टार्ट करी तो बिल्कुल एंड पे से ना वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग ऊपर से। तो इसी तरीके से अगर आपको लेग वैक्स भी करनी तो मैं बिल्कुल एंड में से शुरू कर रही हूँ, ताकि यहाँ जाके हमारी ग्रोथ जो है ख़त्म हो जाती है। धीरे धीरे हम लोग ऊपर की साइड जाते जाएंगे। बड़ी इजी होती है लेग वैक्स करना, बहुत इजी है। अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से आ जाएगी। हमेशा आप लोग हीट चेक करेंगे आपके वैक्स की। बहुत ज़्यादा अगर हीट होगी तो हमेशा ब्लो करके लगाएंगे, अदरवाइज़ हीट पे करना ही नहीं है आपको। अगर ज़्यादा हीट पे आप लोग वैक्स को करते हैं तो एक तो क्लाइंट की स्किन बर्न होने का डर रहता है, और एक कभी कभी क्या होता है स्किन बर्न नहीं होती तो रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि गर्म स्पैचुला लग जाता है उस जगह पर। हालांकि हमारा स्पैचुला जो है वुडन है, गर्म नहीं लगता। यही रीज़न है हमारा वुडन स्पैचुला रखने का, कि जो हमारी स्किन पे जब ये वुडन स्पैचुला लगता है तो जो वैक्स की हीट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं लगती। अदरवाइज़ अगर आप लोग जो दूसरा स्पैचुला आता है स्टील वाला वो यूज़ करते हैं तो उसकी हीट बहुत तेज लगती है, क्योंकि वो खुद भी गर्म हो जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आप लोगों को भी वुडन स्पैचुला यूज़ करने चाहिए। तो हाफ लेग वैक्स में आप लोग पूरे जो हाफ नी तक के आपके लेग्स हैं उनको कवर करेंगे, घुटनों तक आपके लेग्स को आप कवर करेंगे तो आप देखेंगे कैसा रिजल्ट आया। बाल हटते एकदम स्किन सॉफ्ट हो जाती है, अच्छी दिखती है, डार्कनेस भी कम होती है धीरे धीरे। लेकिन अगर हम इसी के बदले रीका वैक्स करें जो कि लिपोसोल्यूबल वैक्स है, तो उससे टैनिंग और ज़्यादा अच्छे से हटती है। ये नॉर्मल वैक्स है, अगर हम लोग एडवांस वैक्स में जाएंगे तो उसके रिज़ल्ट इसके से थोड़े से ज़्यादा बेटर होते हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं हमने वैक्स किस तरीके से करी। हम नीचे भी कर रहे हैं ताकि जो टैनिंग है पूरी हट जाए। जब हम बैक साइड करेंगे तो हम क्लाइंट को उल्टा लेटा देंगे। इस तरीके से हम लोग वैक्स की एप्लीकेशन करेंगे बैक साइड में। तो हमेशा नीचे से मैं आपको बताती हूँ स्टार्ट करना है। इस तरीके से हमने इस बार भी बैक में से भी नीचे से ही स्टार्ट किया, अच्छे से स्ट्रिप को लगाया है, थोड़ा प्रेशर देंगे और ऊपर की साइड स्ट्रेच करेंगे। जो पैरों की स्किन होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इतनी सॉफ्ट नहीं होती कि आपको दूसरे हाथ से पकड़ना पड़े। अगर किसी की स्किन आपको लग रही है ढीली है, सॉफ्ट है, तो तब आप ज़रूर से स्ट्रेच कीजिए। अगर नहीं है, टाइट स्किन है, तो आप आराम से बिना स्ट्रेच करे भी आप लोग पट्टी को खींच सकते हैं। अच्छे से प्रेशर देंगे, ऊपर की साइड स्ट्रेच करेंगे। देखिए इस तरीके से जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम लोग लिपोसोल्यूबल वैक्स करते हैं तब हम लोग उसको क्या करते हैं, कभी भी उसको पानी से नहीं हटाते, हमेशा हम लोग ऑयल का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम वैक्स कर रहे हैं वो रेगुलर वैक्स है, तो रेगुलर वैक्स को हम लोग अच्छे से पानी से हटा सकते हैं। तो पानी आप बार बार स्पॉन्ज लें, एक ही को यूज़ करें, उससे अच्छा है कि आप टावल को गीला कर लें, निचोड़ लें और अच्छे से पैरों को साफ़ कर दें। तो एक बार में पूरा आपका काम भी अच्छे से हो जाएगा और बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाएंगे जो पैर होंगे। आप दोनों लेग्स में डिफरेंस देख सकते हैं, एक में बाल है और एक बालों के बिना है, क्लियर हो चुका हुआ है। तो दोनों में खूब अंतर है, आपको दिख रहा है, टैनिंग भी रिमूव हुई है, और जब हम क्लीन अच्छे से कर देंगे टावल के साथ उसके बाद ग्लो भी आपको दिखेगा। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस होता है हमारा लेग वैक्स करने का। अब हम फटाफट से वाले पैर की भी वैक्स कर देते हैं ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाए। सबसे पहले हम लोगों ने पाउडर लगाया है। अभी वैक्स आप देख रहे हैं थोड़ी पतली ज़्यादा हो गई है, तो हमने वेट किया है। देखिए अब बहुत पतली है तो आप ऐसी वैक्स नहीं लगाएंगे। इसके बाद हमने थोड़ी देर वेट करेंगे, अगर हमारी वैक्स नॉर्मल हो जाएगी तभी हम लोग लगाएंगे। अभी हमारे जो स्टाफ है बिल्कुल जैसे बोला जाता है कि परफेक्ट हो चुके हुए हैं, तो उनको पता है कब किस तरीके से लगानी है। तो वो गर्म वैक्स को ब्लो कर लेते हैं या उनको पता होता है तो टेम्परेचर को थोड़ा हल्का करके वो लोग एप्लीकेशन कर देते हैं। तो जैसे अगर आप लोग बिल्कुल न्यू हैं, आप अभी भी सीख रहे हैं, तो आप वैक्स को इतना पतला नहीं लगाएंगे, आप थोड़ा थिक कर लेंगे उसको, तो मतलब से गर्म होने देंगे आप लोग। सारी एप्लीकेशन नीचे की साइड हो रही है, ऊपर से नीचे की साइड, क्योंकि हमारे बालों की ग्रोथ ऊपर से नीचे की साइड ही है। यही कारण है कि वैक्स को हम लोग ऊपर से नीचे की ओर लगा रहे हैं।
जब हम लोग वैक्स करते हैं, लेग वैक्स करते हैं, चाहे हम लोग हैंड वैक्स या बॉडी वैक्स करते हैं, मैं हमेशा बेड का यूज़ करती हूँ, मैं चेयर पे बिठा के नहीं करती। आप लोग चेयर पे बिठा के भी कर सकते हैं, अगर आपके पास बेड नहीं है तो चेयर पे कीजिए, अगर बेड है तो बेड पे करेंगे तो आप भी कंफर्टेबल होकर खड़े होकर मतलब आराम से कर सकते हैं, आपको झुकना नहीं पड़ेगा। कुर्सी पे झुकना पड़ता है तो इससे आपकी कमर में प्रॉब्लम जैसे दर्द वगैरह हो सकता है। अगर आप बेड पे इसी काम को करते हैं तो हम स्ट्रेट खड़े रहेंगे, जिसकी वजह से हमें जो कमर दर्द वगैरह है वो नहीं होगा। तो अब अगर आप लंबे समय काम करते आ रहे हैं तो आपको बेड का ही यूज़ करना चाहिए, बेड के ऊपर वो आपकी ऊंचाई के बराबर हो जाएगा तो आपकी कमर में भी दर्द नहीं होगा, बहुत अच्छे से आपका काम भी हो जाएगा, आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। अगर आप क्योंकि आप लेग वैक्स करें, आपको कस्टमर को खड़ा करना पड़ता है, कई बार हम ये चीज़ देखते हैं कि कस्टमर को खड़ा करके फिर पीछे से वैक्स किया जाता है, तो ये सही तरीका नहीं है। अगर आपके पास बेड है तो आप उस पर लेटा के कीजिए तो बहुत अच्छे से आप भी कंफर्टेबल फील करेंगे, आपका क्लाइंट भी कंफर्टेबल फील करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर इन चीज़ों को आप लोग समझने लग जाइए और इस तरीके से अगर आप काम करने लग जाएं तो बहुत बेटर रिजल्ट आने वाले हैं आपके पार्लर के, क्योंकि कई सारे कमेंट आते हैं, वो लोग हमें बताते हैं कि बहुत अच्छा उनका पार्लर चल रहा है। तो आई विश आप सबका पार्लर अच्छा चले। इसी के साथ फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि हमने अच्छे से बाल जो लेग्स हैं उनको एक टावल को गीला करके अच्छे से पोंछ दिया, इससे आपका काम जल्दी हो गया, क्योंकि अगर आप स्पोंज लेके करते रहते तो इतनी जल्दी आपका काम नहीं होता। पूरे पैरों पे अच्छे से आपने क्लीन किया तो सारी वैक्स आपकी बहुत अच्छे से हट गई। अगर आप स्पोंज से करते कहीं हटती कहीं नहीं हटती। अब अच्छे से आप लोग रिलैक्सिंग मसाज, जो कि हमेशा मैं हर सर्विस के बाद देती हूँ, आप लोग इसी तरीके से रिलैक्सिंग मसाज देंगे 5 मिनट की। फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारा आज का वीडियो है हाफ लेग वैक्स का, वो कंप्लीट हुआ। आप और भी टॉपिक्स हम लोगों को बता सकते हैं, नए मतलब जिस तरीके से हम लोग नई नई क्लासेस आपके लिए लाएं, बाकी बहुत सारी क्लासेस मैंने आपके लिए सोची हुई है, आप लोग भी और टॉपिक बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल सुमानसी सहगल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इंस्टा आईडी को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। Thank you.